अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाएंगे तौसीली। ये कोकनी रेसिपी है, और मतलब इसको ऐसा बोलते हैं ककुम्बर केक, ककड़ी का केक भी बोलते हैं, तौसे का केक भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो देखो बड़ी होती है ये इसको बोलते हैं तौसा, बड़ी जात की जो ककड़ी होती है उसको तौसा बोलते हैं। तो ये इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो इसको साल 2 साल भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं, मगर इसको कट नहीं करेंगे तो ऐसी मतलब पूरी रस्सी बन, में बांध के रखी। हाँ इसको मतलब ऐसे ही रखोगे तो उसको कट करोगे तो यूज करना पड़ेगा, नहीं तो कट करके 1 साल। अच्छा, तो ये मैं लेने वाली हूँ 1/4, मतलब कि इसका सिर्फ पाव हिस्सा ही लेने वाली हूँ मैं। उसको ग्रेट करेंगे, जितना होगा वो मैं आपको बताऊंगी कि मतलब 1 कप होगा कि आधा कप होगा वो मैं बता दूंगी आपको। अगर ये आपके पास में नहीं है तो फिर आपने जो ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी सी ककड़ी आती है वो एक आपने ककड़ी लेनी है, ऐसे जो ग्रीन ग्रीन सी आती है डार्क ग्रीन कलर की, वो आपने एक ले लेनी है इस रेसिपी में। यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप + 1/4 कप मैदा लिया हुआ है। जितना आपने मैदा लेना है उतना ही आप गुड़ या तो शक्कर ले लो। जैसे ये रेसिपी में गुड़ जाता है तो गांव में गुड़ डालते हैं, तो मैं गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 1 कप + 1/4 कप मैंने गुड़ लिया हुआ है, 1/2 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है, 1/2 कप मैंने यहाँ पर लिया है रवा, और 1/2 कप ही मैंने लिया हुआ है यहाँ पर फ्रेश कोकोनट है, जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसको पीस लिया है। 2 अंडे जाएंगे, और 1 टीस्पून यहाँ पर लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। अब इसको बनाने का तरीका बताएंगे। गुड़ मैंने आपको बताई थी 1 कप + 1/4 कप गुड़ है इसके अंदर। ये मैंने देखो पाव हिस्सा जो है तवसे का वो मैंने ले ली, इसको ग्रेट करके इसमें मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। ये तवसे का पानी है निकला जो है, बस थोड़ा सा डालेंगे और गुड़ को पिघा लेंगे। इसको मिक्स करेंगे और गुड़ को पिघलने तक इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, अब इसको हम इतना फेंट लेंगे कि ये डबल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अंडे को फेंट लिया, अंडे जो है एकदम डबल हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये मैंने गुड़ और तौसा जो रखा हुआ था वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, ये भी हम इसमें डालेंगे। एक बार ही चला लेंगे इसको भी। अब हम इसमें डाल देंगे ये रवा, अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही में डाल देंगे ये गीला नारियल, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे हम 1/2 कप जितना देसी घी, आप बटर भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने घी लिया हुआ है देसी घी, और गांव में घी ही डालते हैं। ये अच्छे से अभी हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ये बेकिंग पाउडर और नमक डालेंगे। अब हम इसमें मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डालना। अब इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया पूरा मैदा डालकर। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, पूरा 1/2 कप नहीं ऐड करेंगे, 1/4 कप मैंने अभी डाला। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ये सारा दूध इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। पर देखिए मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है जिसको मैंने बटर पेपर से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अच्छा, मैंने जो ओवन को है 180 डिग्री पर 15 मिनट से प्री हीट होने के लिए रखा है। अब इसको हम डालेंगे बैटर को और हम इसको 40 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर बेक करेंगे। तो ये अच्छा, मैंने विदाउट ओवन के काफी केक की रेसिपीज बताई है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एक आध रेसिपी की। आपको अगर विदाउट ओवन के बनाना है सेम मेथड है उसी तरीके से बनाओ तो आपको रिजल्ट जो है वैसा ही मिलेगा। तो अब ये मैंने इसमें सारा जो बैटर है वो डाल दिया है केक का। इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसको मैं 180 डिग्री पे रख दूंगी 40 मिनट्स के लिए ओवन में। तो अब मैं इसको 40 मिनट्स के लिए ओवन में रख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिये मैंने इसको 40 मिनट्स जो है बेक किया। अब इसको हम चेक करेंगे, ये देखिए इंसर्ट करें क्लीन आ रही है। अब इसको हम डीमोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको मैंने जो है डीमोल्ड कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसको मैं कट करके भी आपको बताऊंगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छी खुशबू, ये देखिए
बहुत ही अच्छे से हो गया। यहाँ पर देखिए इसको मैंने कट कर लिया, ये देखिए कितना अच्छा जबरदस्त सा केक बनकर जो है रेडी हो गया है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।